गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 13 अक्टूबर दिन रविवार केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केसरपुर आलू मंडी में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है, आज मंडी में जो है टोटल कितना गाड़ी पहुंचा है जी, और ग्राहक भी कैसा है। रेटों की बात करें तो रेट क्या कुछ खुला जी, लास्ट रविवार के मुकाबले इस रविवार जो है क्या कुछ चमक देखने को मिला है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 पर, सर के पास जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा T7 T9 आलू। इसके बाद जो है 37 97 600 हो गया ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो है लंबे चाल का आलू मिलेगा जी। देखो जी जितने भी जो लोट पलटे हुए थे सभी में जो है लंबे चाल का आलू देखने को मिल रहा है। बाकी भाव की बात करें तो चलते सर के पास जानकारी लेते हैं जी टोटल। हाँ जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा है जी? आज का माहौल थोड़ा सुस्त है। ओके, गाड़ी कितना लगा टोटल? गाड़ियां तो है कोई 20 से 28 के आसपास गाड़ी है, बढ़िया माल जो है। अच्छा, बैलेंस और ताजा दोनों में? बैलेंस ज्यादा है क्योंकि कल दशहरे की वजह से दुकानदारी नहीं थी। ठीक है, कल की गाड़ियां भी, कुछ परसों की गाड़ियां भी खड़ी हुई है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है जी। और सर जी बात करें भाव का, तो भाव आज क्या कुछ खुला जी मार्केट? भाव जो बढ़िया आलू है वो बिके 1200 से 1300 की रेंज में। अपने पास जो मतलब जितना भी आलू जो है, हमारे पास आलू है वो सारा 1250 से 1300 बिकाया जा रहा है। T79 ही है जी? हाँ T9 T7 ही आ रहा है। अच्छा, किस किस एरिया का आलू है जी अपने पास? अपने पास तो तरोली का ज्यादा है, डीवाई तरोली। अच्छा, T7 वैसे मोस्टली कहाँ कहाँ से आते सर? अपना सारा तरोली का ही है, अलीगढ़ हो गया, तरोली हो गया, डीवाई हो गया, अपना जहीराबाद हो गया जी। ओके जी। और T7 T9 का संभल चंदौसी इन एरिया से भी आ सके? नहीं आते हैं वो, पर वहाँ से थोड़ा सा सटाना ज्यादा आता है। अच्छा ओके। T7 का गुल्ला और बम्पर का क्या रेट है सर? गुल्ले की पोजीशन 1150 से 1200 रुपए की, बढ़िया मोटा गुल्ला जो निकल के आ रहा है, बाकी जो उससे साइज छोटा है वो जैसा माल है वैसे दाम है। अच्छा जी। और चिप्सोना का अगर बात करें सर जी, चिप्सोना का क्या बाजार है जी? चिप्सोना जो बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का माल आ रहा है, वो बिका 1100 से 1150, बहुत बढ़िया होगा तो 1200 रुपए तक चिप्सोना है। अच्छा, जो आजादपुर आता है ज्यादातर, हमारी मंडी में कम आता है बढ़िया माल। ठीक है, जिसपे जाल होगा आलू पे। अच्छा, 37 97 की अगर बात करें सर? 37 97 हजार रुपए की रेंज में है, 10-20 ऊपर या 10-20 नीचे। ठीक है जी। और बात करें सर जी अपना वैरायटी आलू का? ग्राहक का तो यही 900 साढ़े 900 बिक रहा है, इसी रेंज में ही आलू बिके अभी 10-15 दिन से, यही रेट जो है वो यही है, 27 है। अच्छा, बाकी मान लो कल दशहरे की वजह से कल बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं थी। ठीक है सर। और उसका फर्क आज भी है क्योंकि कल कोई मार्केट नहीं लगी, वीकली मार्केट जो होती है जी जी वो नहीं लगी है, तो उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, बाकी देखो कल से थोड़ी सी बिक्री, थोड़ी कल से खोलने की उम्मीद है। अच्छा, लोग बाग थोड़ा सा जो दशहरे की वजह से मार्केटें नहीं लगी वो कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सर जी इसमें जो है आगे चल के कैसा माहौल नजर आ रहा है? अभी फिलहाल जो रेट जो ग्राहक की चल रहा है, तो आगे मार्केट में बिक्री में कितना सुधार आएगा, रेटों में कितना सुधार आएगा, क्या रहेगा सर? देखो अगर आलू लूज नहीं है, क्योंकि आगे अब लूज की धीरे धीरे करके लूज की शिकायत आनी शुरू हो गई है। ठीक है, और अगर गाड़ी को एक आध दिन बैलेंस हो जाती है तो धूप से भी माल लूज हो रहे हैं। अगर लूज की शिकायत नहीं है तो आलू का रेट अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, क्योंकि नया आलू थोड़ा लेट हो गया है, हरियाणा में भी यूपी में भी आलू लेट लग रहा है, अब स्टार्ट हुआ आलू लगना बारिश की वजह से। ठीक है, और सिर्फ एक ऊना है जो टाइम से आएगा अपने, वो भी 10 तारीख के आसपास, 10 नवंबर के आसपास, 5 से 10 नवंबर के बीच में नया आलू आ जाएगा। ठीक है जी, दिवाली के बाद। ओके, तो सर जी अभी कितना टाइम है लगभग, मतलब पुराने आलू को और पुराने आलू का रेट जो है जाते जाते किस तरह का रह सकता है सर? देखो अगर हम लोगों को स्टोरों की परसेंटेज का पता चल जाए कि स्टोरों में आलू कितना है, उस हिसाब से हम रेट बता सकते हैं। अगर आलू कम है, क्योंकि अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, नए आलू के साथ भी पुराना आलू बिकता है, क्योंकि जब तक नए आलू का साइज नहीं बनेगा जी, जब तक उसकी कोई पोजीशन रेट नहीं बन पाता है, तो लोग बाग पुराने आलू खरीदते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नया आलू गोली गुल्ला होता है और पुराने में थोड़ा लूज बन जाता है। अच्छा, उस करके थोड़ा सा रेटों में फर्क आते हैं। ठीक है, जो टाइट माल जो जिन स्टोरों में मशीनें चलती रहेंगी उनके माल बढ़िया निकल के आएंगे। अच्छा, और उनको रेट भी मिलेगा। ठीक है जी। इस बार सुनने में आ रहा है सर जी जो जनवरी तक कोल्ड स्टोरेज चलाएंगे जी, कोल्ड मालिक,
क्या ये बात सच है या फिर क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 31 तारीख का उनकी डेडलाइन है। अच्छा, कि लास्ट 31 जो दिसंबर मतलब 31 डेट जो होगी, 31 अक्टूबर जो होगी, अच्छा वो 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है, उसके बाद वो मशीनें बंद कर देते हैं। ठीक है जी। पर कुछ स्टोर है जो 10-15 दिन तक और मशीन को चला के रखते हैं, व्यापारी और किसान के रिक्वेस्ट या उनके माल खराब ना हो इसलिए। अच्छा, क्योंकि उसके बाद मौसम भी ठंडा होना शुरू हो जाता है, इसलिए स्टोर मालिक मशीनें 31 अक्टूबर लास्ट है। अच्छा, उसके बाद कोई स्टोर की मशीनें नहीं चलती है, सब बंद हो जाती है। जिन जो बड़े बड़े किसान जिनका माल रह जाता है या थोड़ा सा माल ज्यादा है स्टोर के अंदर, तो वो 10-15 दिन तक और मशीन चलाते हैं। इस बार सर जी फसल कैसा देखने को मिल रहा है ऊना का? और देखो ऊना में तो वगैरह कैसा है? ऊना में तो अच्छी फसल लगी है। साइज तो अभी जब निकलेगा तब पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा साइज बनने में भी टाइम लगता है ऊना में। ठीक है। ऊना में क्या कहीं के भी है, अगर मान लो 60 दिन की फसल की खुदाई होती है ऊना में, 60 से 65-70 दिन के बीच में, तो उसमें कोई खास साइज नहीं बनता। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे साइज बढ़िया होता चला जाएगा। ओके जी। अभी सर जी आंकड़ा कुछ निकला है क्या, आलू में इतना परसेंट बचा हुआ है या फिर इतना है? नहीं, अभी आंकड़ा कोई नहीं बताता। कोई 20 बताएगा, कोई 25 बताएगा, कोई स्टोर वाला बताता है 10,000 कट्टे बच रहे हैं, कोई 15,000 कट्टे बच रहे हैं, तो अभी पता नहीं है कि स्टोर अगर एक अनुमान लगाया जाए तो अनुमान क्या लग सकता है? देखो अनुमान मेरे हिसाब से 20-21% आलू बचा हुआ है मंडी के मतलब के। अच्छा। और उस हिसाब से अभी 1 से 1.5 महीना भी बैलेंस है, क्योंकि नए आलू के साथ इस बार पुराना आलू बिकेगा। अच्छा। तो अगर यदि 20% अगर बचा होगा सर, तो एक महीने में खत्म हो जाएगा 20% या फिर कितना महीना? देखो नया आलू में एक और चीज है, मान लो नया आलू अगर दिल्ली में आता है तो उसके बाद पुराने आलू की खपत जहाँ पे स्टोर है उन एरियो में ही शुरू हो जाती है। अच्छा। मतलब स्टोर के आलू उसके बाद भी बिकता रहता है। अच्छा। तो कई बार हमने जनवरी तक पुराना आलू बेचा है। ठीक है। अगर उसमें लूज की शिकायत नहीं है तो। ओके। तो एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी। शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी, रवि चौधरी मेरा नाम है, और 9810636954 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और एक मैं और किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि वो अपने माल को देखे स्टोरों में जाके कि आलू में लूज की शिकायत तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो वो माल को बेचे। चेक करना भी जरूरी है जी। हाँ, वो इस टाइम चेक करना जरूरी है कि स्टोर मालिक मशीनें चला रहे हैं नहीं चला रहे। तो मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए कि वो थोड़ा इस चीज पर ध्यान और गौर करे कि मशीनों का और आलू लूज पन पे ना हो, क्योंकि कई जगह शिकायत है, किले की भी शिकायत आ रही है और लूज की भी शिकायत आ रही है। अच्छा। तो वो मशीन के लिए होती है, तो कृपया करके किसान भाई अपने स्टोर मालिकों को बोले कि भाई अगर उनका आलू बचा हुआ है तो थोड़ा ध्यान दे उनके आलू पे कि आलू की क्वालिटी खराब ना हो। अच्छा। मतलब जिनके पास माल रखा हुआ है जी ज्यादा क्वांटिटी में, वो अपने आलू को मतलब टाइम टू टाइम जा करके हाँ, देख रहे, मतलब एकदम बिल्कुल छोड़ भी ना दे, मतलब हाँ, वो छोड़े ना कि भी आगे बाजार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है, अगर क्वालिटी रहेगी तो ही आप रेट ले पाओगे। बिल्कुल। और अगर आपकी क्वालिटी हल्की ही हो गई है तो फिर आपको किसी कोई भी रेट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसान भाइयों से जी कि इस चीज पे गौर करें जी। धन्यवाद। थैंक यू।